Co-powered by Techno. नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले इस वक्त बिहार से आ रही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज की बात करते हैं। बिहार के मुंगेर में आरजेडी के बड़े नेता पंकज यादव को गोली मारी गई है। आज सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान गोली मारी गई। पंकज यादव अस्पताल में भर्ती, हालत उनकी गंभीर है और स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तो पंकज यादव की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। गोली मारी है बदमाशों ने मॉर्निंग वॉक के दौरान। ये हमला हुआ है बिहार के मुंगेर में आरजेडी के बड़े नेता पंकज यादव पर हमला। रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है, पंकज यादव की स्थिति कैसी है अभी? ये पंकज यादव के ऊपर अपराधियों ने 3 फायरिंग किया है, जिसमें एक गोली उनके सीने में लगी है। उसके बाद उन्हें सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें निजी नर्सिंग होम में रेफर किया गया है। उनकी हालत गंभीर वहां पे बनी हुई है, क्योंकि सीने में एक गोली लगी है। पंकज यादव आरजेडी के बड़े नेता हैं, प्रदेश के महासचिव हैं। तेजस्वी यादव के पास उनका आना जाना मुंगेर से पटना लगा रहता है। कई कार्यक्रमों में वो दिखते हैं, पार्टी के कोई कार्यक्रम हो उसमें पंकज यादव नजर आते हैं। जाहिर सी बात है, आरजेडी के बड़े नेता हैं और आरजेडी के बड़े नेता को सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान अपराधी घात लगाए बैठे होते हैं। उनको पता होता है कि हवाई अड्डा मैदान में ही रोज पंकज यादव मॉर्निंग वॉक के लिए पहुंचते हैं, लिहाजा पहले से घात लगाए हुए थे अपराधी और उनके ऊपर 3 फायरिंग की गई है। एक उनके सीने में लगी है, स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल है, कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रवक्ता है अजगर शमसी, उनको भी मॉर्निंग वॉक के दौरान ही एक कॉलेज के पास गोली मार दी गई थी और उसके बाद से आरजेडी के इस बड़े नेता को गोली मारी गई है। बिल्कुल, बिहार में ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं और राजनीतिक दलों से जुड़े अलग अलग नेताओं पर ये हमले कई सारे सवाल खड़े कर रहे हैं। शुक्रिया इस अपडेट के लिए रुपेश आपका। और बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। कोर्ट ने 22 अगस्त को फैसला सुरक्षित रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या मामले में फैसला सुनाने वाला है। एलजेपी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ला समेत 8 अन्य आरोपियों पर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच आज सुबह 10:30 बजे फैसला सुनाएगी। 2014 में पटना हाई कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी 8 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। हाई कोर्ट ने जनता दल यूनाइटेड के नेता और पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला, एलजेपी के पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक राजन तिवारी समेत 8 लोगों को बरी किया था। इससे पहले 2009 में निचली अदालत ने सभी 8 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। बिहार के तत्कालीन विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की 13 जून 1998 में हत्या हो गई थी। पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में कड़ी सुरक्षा के बीच उत्तर प्रदेश के माफिया श्री प्रकाश शुक्ला ने AK-47 से गोलियां बरसाकर उन्हें छलनी कर दिया था। इस गोलीकांड में ब्रज बिहारी प्रसाद की मौत हो गई थी। और इधर खबर दिल्ली से है। दिल्ली में डॉक्टर की गोली मारकर हत्या, मरीज बनकर आए थे डॉक्टर के हत्यारे। दिल्ली के जैतपुर इलाके की घटना है। डॉक्टर के कातिल की तलाश में पुलिस जुटी हुई। विवेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है इस गोलीकांड को लेकर? देखिए, पुलिस लगातार इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है और सूत्रों का ये बताया जा रहा है कि 2 लोग जो है वो आए थे, सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में 2 लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो इसी आधार पर पुलिस की जांच लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस के मुताबिक ये दोनों आरोपी जो है ये मरीज बन के आए थे, जिन्होंने पहले अपनी ड्रेसिंग करवाई, उसके बाद डॉक्टर को दिखाने के बहाने उनके कैबिन में गए और वहां पर डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। और हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद ये दोनों आरोपी जो है वो फरार हो गए। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जो इलाके की सीसीटीवी कैमरे हैं उनकी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि जिस डॉक्टर को गोली मारी है उसका नाम जावेद है, उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ है कि इस मामले में जिस तरह से पुलिस जांच का दायरा बढ़ाते हुए आगे तफ्तीश कर रही है, तो कहीं ना कहीं इलाके के जो अन्य लोग हैं उनसे भी पूछताछ करने की कोशिश जो है वो भी की जाती है। तो साफ है फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को खंगाल रही है, उससे आरोपी की पहचान करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। बिल्कुल, अपने आप में ये बहुत ही गंभीर मामला है। डॉक्टर को गोली मारी गई है। शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका विवेक। और अगली खबर दिल्ली के नारायणा से जुड़ी हुई। दिल्ली के नारायणा में फायरिंग मामले में बड़ी खबर है। इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी ने की थी फायरिंग। गिरफ्तार आरोपी दीपक रोहतक का रहने वाला, 27 सितंबर की शाम को फायरिंग हुई थी।
महाराष्ट्र के वाशिम में दो गुटों में झड़प हुई। महिला से छेड़खानी को लेकर विवाद शुरू हुआ और हिंसक झड़प में एक शख्स की मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव है। राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है इस झड़प को लेकर? देखिए, महाराष्ट्र के वाशिम जिले में कारंजा तालुका है, वहां पर एक गांव में कल दो समुदाय में झड़प हो गई। दरअसल एक महिला की मारपीट भी हुई, उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने दोनों गुट को अलग किया, बल प्रयोग किया लोगों को हटाने के लिए, क्योंकि उन्होंने हाईवे भी जाम कर दिया था। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुल 13 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। साथ ही साथ जो महिला के साथ छेड़खानी हुई थी उस पूरे मामले में और तफ्तीश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से नाराज लोगों का कहना था कि जब तक सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होते तब तक वो इस पूरे मामले में अपना प्रदर्शन रोकेंगे नहीं, और इसी दरमियान एक शख्स की मौत भी हो गई, जिस वजह से पूरा मामला ज्यादा बढ़ गया। शुक्रिया राजीव इस अपडेट के लिए, इस जानकारी के लिए। खबर लखनऊ से। लखनऊ में स्कूटी सवार युवती के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 36 घंटे में आरोपी को ढूंढ निकाला। छेड़छाड़ की ये तस्वीरें शर्मनाक है। तस्वीरों में स्कूटी सवार युवती सड़क से जा रही होती है, तभी ये बाइक सवार युवती का पीछा करता है। गाड़ी की रफ्तार देखिए, थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसकी परवाह किए बगैर ये बाइक सवार कुछ दूर जाने के बाद जैसे युवती के पास पहुंचता है, छेड़छाड़ करता है। सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो शहीद पथ पर लुलू मॉल के पास का बताया जाता है। वीडियो रविवार करीब 10:15 का है, जब सुशांत गोल्फ सिटी में नौकरी करने वाली ये युवती ऑफिस की मीटिंग के बाद अपने घर लौट रही होती है। बाइक का नंबर UP32GD4080 बताया जाता है, जिसके आधार पर पुलिस ने फुकरान नाम के इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने के बाद ये सीतापुर भाग गया था। इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की दो टीमें गठित की गई थी, जहां से पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ बिजनौर थाने के पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया है। यूपी के सोनभद्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शख्स के ऊपर मारपीट के बाद यूरिनेट की घटना सामने। ये इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें यूपी की हैं। यूपी के सोनभद्र इलाके में दबंगों ने सारी हदें पार कर दी। एक मामूली विवाद पर एक आदिवासी युवक की कुछ लोगों ने पहले जमकर पिटाई की, लात घूसों की बरसात की और उसके बाद उस पर यूरिन भी कर दिया। दबंग यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी शर्मनाक हरकत का वीडियो भी बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 5 दिन पुरानी इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और FIR दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई। के खिलाफ जान से मारने बलवा संबंधित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया जाएगा। अंकित भारती और उसके 7-8 सदस्यों द्वारा मारा पीटा गया, मारने पीटने के साथ मारपीट का वीडियो भी बनाया गया और उसके ऊपर प्रसार भी किया गया। इसका तुरंत संज्ञान लेते हुए थानावर अंकित भारती को हिरासत में लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है कि उसके बाकी सदस्य कौन है, उन्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कठोर धाराओं में मुकदमा लिखा जा रहा है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के बीच बैठकों का दौर जारी है। अब तक 150 सीटों पर बातचीत हो चुकी है। कांग्रेस ने कहा है कि बहुत जल्द फैसला हो जाएगा। महाराष्ट्र में चुनाव की तारीखों का ऐलान तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी दलों ने विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। MVA के घटक दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी है। मुंबई में लगातार तीसरे दिन MVA में सीट बंटवारे को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में समाजवादी पार्टी और लेफ्ट पार्टी के नेता भी शामिल हुए, और मुझे लगता है कि दशहरे के पहले तक हम लोग बहुत सारी सीटों पे डिक्लेरेशन करेंगे। 150 से ऊपर हमारे सीटों पे चर्चा हो गई है। मुझे लगता है कि बहुत ही क्लियरिटी से सीटें क्लियर हो जाएगी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा है कि वो BJP को किसी भी हाल में सत्ता में नहीं आने देंगे। उन्होंने कहा कि BJP को रोकने के लिए हम सीटों पर भी समझौता कर लेंगे। हमारा सबसे पहला यह है कि महाविकास अघाड़ी मजबूती से लड़ना चाहिए। सीट कम मिले ज़्यादा मिले उसके ऊपर कोई अलग नहीं होना चाहिए। देश बड़ा है, पार्टी बड़ी नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे लोगों को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ MVA के साथ खड़ी है।
प्रशांत किशोर ने जन स्वराज पार्टी का औपचारिक ऐलान कर दिया है। पीके ने मनोज भारती को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। साथ ही एक घंटे में शराबबंदी खत्म कर देने की बात कही। तौर पर देखें जन स्वराज। बिहार की राजनीति में एक और पार्टी का उदय हो चुका है। जन स्वराज के नाम से एक और दल की एंट्री हो गई है। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गांधी जयंती के मौके पर पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में हजारों समर्थकों के बीच अपने पार्टी का ऐलान किया। जन स्वराज पार्टी की विचारधारा है ह्यूमन फर्स्ट। प्रशांत किशोर ने कहा कि वो ऐसा बिहार बनाएंगे जहां पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात के लोग काम मांगने आएंगे। उन्होंने कहा कि अब एक बार आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट देना पड़ेगा। अगर पढ़ाई और रोजगार चाहिए तो एक बार पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा। अगर अपने बच्चों का विकास चाहिए तो अपने बच्चों के लिए वोट देना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने सरकार बनते ही एक घंटे में शराबबंदी को हटाने का ऐलान भी किया है कि जब हमारी व्यवस्था बनेगी तो एक घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर फेंक देंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि जो शराब से टैक्स का पैसा आएगा उसे शिक्षा व्यवस्था में खर्च करेंगे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है और इस वीडियो को लेकर उन्होंने कहा है कि पैसा नहीं तो गेम नहीं। इस वीडियो को राहुल गांधी ने जारी करते हुए कहा है कि आज भारत में ज्यादातर एथलीट्स की यही सच्चाई है। राहुल ने कहा कि खेल संघों में राजनेताओं की मौजूदगी की वजह से भारत का खिलाड़ी अपनी असली क्षमता नहीं पा सकता है। यानी कि सिर्फ बीजेपी के हैं, कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, मतलब हर पार्टी के, मतलब, और इनको स्पोर्ट्स आता होता है नहीं। हाँ जी, बैट पकड़ना तक नहीं आता। हाँ जी, हाँ जी, एसोसिएशन पकड़ना। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा और देश भर से आए खिलाड़ियों के एक समूह से मिलकर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने आरोप लगाया है कि खिलाड़ी सिस्टम से पूरी तरह निराश हैं। घर वाले कैसे खत्म करो इसे। बेटा हमारा ये जा रहा है और ये मतलब गोल्ड मेडल के पीछे जा रहा है, मगर चांसेस कम है क्योंकि सिस्टम मदद नहीं कर रहा। अगर सिस्टम मदद कर रहा होता तो फिर आपके पेरेंट्स कहते चलो जाओ। राहुल ने कहा कि भारत में असीम प्रतिभाएं हैं, पारदर्शिता, निष्पक्षता और हर जरूरी सुविधा से ही ये सुनिश्चित हो पाएगा। Co-powered by Techno.